विश्व भर में फैली नोवल कोरोना वायरस की बीमारी को मात देने में सरकार की मदद करें। आप सभी से अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन को गंभीरता से फॉलो करें। इसके अधीन आए सभी आदेशों का पालन करें। हम एकजुट होकर ही इस बीमारी को हरा सकते हैं। घर में रहें, स्वस्थ रहें। क्या किडनी को स्वस्थ रखने के लिए लोबिया खाना सही है? नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हमेशा की तरह हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं किडनी से जुड़ी कुछ खास बात। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आपको अपने आहार में बदलाव करने की ज़रूरत होती है। आपके द्वारा लिया गया आहार आपकी किडनी के लिए लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक भी। इसलिए किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आप कुछ खास आहार का चुनाव कर सकते हैं। आज हम आपको लोबिया के फ़ायदों के बारे में बताएंगे और यह भी जानेंगे किडनी के लिए यह कैसे लाभदायक है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आप हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारी आसानी से पा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के विषय की और बात करते हैं किडनी के लिए लोबिया के फ़ायदों की। लोबिया खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, साथ ही यह कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है। लोबिया में फॉलिक एसिड, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। लोबिया किडनी को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी मददगार होती है, साथ ही इसका सेवन आपकी सेहत को भी बेहतर रखता है। आज हम आपको लोबिया के कुछ फायदों के बारे में बताएंगे जिनके सेवन से आपका शरीर स्वस्थ रहे और आपको किडनी में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, जिन्हें किडनी में समस्या है उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व डैमेज किडनी को और अधिक नुकसान पहुँचा सकते हैं। लोबिया का सबसे पहला फायदा डायबिटीज़ के लिए। लोबिया में मैग्नीशियम उच्च मात्रा में पाया जाता है जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का एक अच्छा स्रोत है। जो लोग लोबिया का सेवन नियमित मात्रा में करते हैं उनके शरीर में इंसुलिन सही मात्रा में विकसित होता है जो शरीर में बढ़ने वाले शुगर के स्तर को संतुलित करता है। इसलिए लोबिया का सेवन नियमित मात्रा में करना चाहिए, इससे डायबिटीज़ की समस्या नहीं होती जिससे आपकी किडनी स्वस्थ रहती है। लोबिया का अगला फायदा हड्डियों को मजबूत रखने का है। लोबिया का नियमित सेवन आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में सहायक होता है। लोबिया में कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत करने में सहायता करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, किडनी का काम हड्डियों को मजबूत रखना भी होता है। जब किडनी खराब होती है तब यह हड्डियों को भी मजबूत करने के अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाती, इसलिए लोबिया का सेवन करना आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, जिन्हें किडनी में समस्या है उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए या डॉक्टर के कहे अनुसार ही करना चाहिए। अगला है वजन कम करने में फ़ायदेमंद होना। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए लोबिया काफ़ी फायदेमंद होता है। लोबिया में कैलोरीज बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं जो वजन को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। लोबिया में घुलनशील फाइबर पाया जाता है जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और इससे किडनी भी सही मात्रा में डिटॉक्स हो जाती है। लोबिया का अगला फायदा है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत रखता है। लोबिया का सेवन जहाँ वजन कम करने में सहायक होता है, वहीं दूसरी तरफ यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में भी सहायता करता है। इसमें पाए जाने वाला फाइबर पेट से जुड़ी समस्या को भी दूर करता है। लोबिया का सेवन पाचन शक्ति को मजबूत रखता है जिससे आपको किडनी से जुड़ी बड़ी समस्या नहीं होती। अगला है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। लोबिया का नियमित सेवन खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है जिससे हार्ट से जुड़ी समस्या नहीं होती और आपका ब्लड प्रेशर भी सामान्य रहता है। लोबिया में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फ्लेवोनॉइड्स और लिग्निन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को दूर करते हैं और साथ ही खून में खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकते हैं। लोबिया का अगला फायदा है दिल को स्वस्थ रखना। नियमित रूप से लोबिया का सेवन आपके हार्ट को स्वस्थ रखता है। लोबिया का सेवन ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है जो आपके दिल को मजबूत रखता है। लोबिया में पोटेशियम और फाइबर होता है जो ब्लड धमनियों को साफ करके खराब कोलेस्ट्रॉल हटाकर हार्ट को सुरक्षित रखता है, जिससे हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉक जैसे समस्याओं की संभावनाएँ कम हो जाती हैं। अगला है ये इन्फेक्शन से दूर रखता है। लोबिया का सेवन आपको कई बीमारियों से तो बचाता ही है, साथ ही यह आपको इन्फेक्शन से भी दूर रखता है जिससे आप बीमारियों के संपर्क से दूर रहते हैं। लोबिया में विटामिन ए और विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व पाए जाते हैं जो आपको इन्फेक्शन से दूर रखते हैं। तो ये थे लोबिया के कुछ फ़ायदे। अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में।
कुछ लोगों को लोबिया के सेवन से एलर्जी हो सकती है, इसलिए जिन्हें एलर्जी हो वह इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। वैसे तो लोबिया का सेवन पाचन शक्ति को ठीक रखता है, लेकिन इसका ज़रूरत से ज़्यादा सेवन आपके स्वास्थ्य को ख़राब कर सकता है। इससे आपको उल्टी जैसी समस्या हो सकती है। जिन्हें किडनी में कोई भी समस्या होती है उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए, यह उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ये थे लोबिया के कुछ फ़ायदे और नुकसान। अब बात करते हैं किडनी में आने वाली खराबी के कुछ संकेतों के बारे में, जिनको जानकर आप किडनी में होने वाली समस्या को पहचान सकते हैं। जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, उल्टी जैसा महसूस होना, यूरिन में समस्या होना, शरीर के अंगों में सूजन आना, ठंड लगकर बुखार होना, चक्कर आना और शरीर में कमजोरी महसूस होना, पेट दर्द और पीठ में असहनीय दर्द बने रहना, नींद और भूख में कमी। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत नजर आए तो इसके लिए आप तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। इसके साथ ही आप किडनी को स्वस्थ रखने के लिए जीवन में योग और आयुर्वेद को शामिल करें, यह आपकी सेहत के लिए लाभदायक होता है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मायुर्वेदा में संपर्क कर सकते हैं। कर्मायुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है और यह उपचार पूरी तरह प्राकृतिक है। कर्मायुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको सफल इलाज के साथ साथ बेहतर आहार की जानकारी भी दी जाती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। अगर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कर्मायुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क करना चाहिए। तो इसके लिए आप कर्मायुर्वेदा उपचार केंद्र में ही संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप अपने विचार और सुझाव भी हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन एरिया में मौजूद है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं फिर मिलूँगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।